हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है मानव शोषण तंत्र। आज की वीडियो में आपको मानव शोषण तंत्र के बारे में हिंदी में समझाऊंगी। मानव शोषण तंत्र को इंग्लिश में हम कहते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये पूरा सिस्टम समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि श्वसन क्या होता है, श्वसन की क्रिया क्या होती है। तो अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, बहुत ही आसान भाषा में बताऊँ तो श्वसन का मतलब सिंपली होता है कि जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक पहुँचता है, वहाँ से वो ब्लड के माध्यम से होते हुए हमारी कोशिकाओं तक पहुँचता है। कोशिकाओं में कहाँ पहुँचता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुँचता है। फिर वो ऑक्सीजन ग्लूकोज से रिएक्ट करता है और ऊर्जा निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऊर्जा को हम यूटिलाइज कर लेते हैं, ऊर्जा मतलब बेसिकली एनर्जी, उसे हम क्या करते हैं यूटिलाइज कर लेते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वापस से वो ब्लड के माध्यम से होते हुए, फेफड़ों से होते हुए हमारी नाक के द्वारा बाहर निकल आता है। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस क्या है, श्वसन है, यानी कि रेस्पिरेशन है। अब रेस्पिरेशन समझ में तो आ गया, बट आपको इसको पूरा अच्छे समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, डायग्राम समझना पड़ेगा। जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि साइंस में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब डायग्राम देखो, ये हमारा एक सुंदर सा क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि मानव श्वसन तंत्र का डायग्राम है। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखना, इवन लर्न कर लेना। अब देखो, सबसे स्टार्टिंग में हमारी क्या है, नोज है, हमारी नासिका है। उसके बाद आपको देखो यहाँ पे जब आते नीचे आते हैं हम, तो हमारी थी ग्रसनी, जिसे हम इंग्लिश में फेरिंग्स कहते हैं। और अगर मैं आपको बहुत ही शुद्ध हिंदी में बताऊँ तो आपने अपनी नॉर्मल बोलचाल में सुना होगा जिसे हम हलक कहते हैं। आई डोंट नो व्हाई बट इट साउंड रियली वेरी बैड, लेकिन इसे हम क्या कहते हैं, हलक कहते हैं। जो कि आपने नॉर्मल सुना होगा, लोग कहते हैं कि मेरी हलक से आवाज़ नहीं आ रही है, मेरे हलक से नीचे खाना नहीं उतर रहा है। तो जो हलक का इस्तेमाल हम करते हैं अपनी आम बोलचाल में, वो हलक क्या होती है, हमारी ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कंठ जो लैरिंग्स है हमारी, उसके नीचे हमारे फेरिंग्स के नीचे क्या है, हमारा लैरिंग्स, जो कि हमारा क्या है, कंठ है। कंठ मतलब वहाँ से वो हमारी आवाज़ निकलती है। अगर आप अपने कंठ को उसे प्रेस करो, दबाओ तेज से दबाओ, तो आपकी आवाज़ क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, आपकी आवाज़ नहीं निकलेगी। ठीक है, देखो उसके आगे कह रहा है कि उसके आगे आपको एक नली दिख रही होगी, जिसे हम कहते हैं श्वास नली, इंग्लिश में कहते हैं हम ट्रैकिया। जो आपकी श्वास नली है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है। जो दो हिस्सों में डिवाइड हुई ना श्वास नली, उसे हम कहते हैं श्वसनी। फिर जो वो दो हिस्सों में डिवाइड हुई थी ना, वो बहुत सारे जैसे पेड़ की शाखाएं होती है ना, ब्रांच, जैसे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में बहुत सारे क्या होती है, वो डिवाइड हो जाती है, जिसे हम कहते हैं श्वसनिका। ठीक है, अब उस श्वसनिका के एंड में क्या होता है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर, गुब्बारे नुमा एक आकृति होती है, जिसे हम कहते हैं एल्वोलाई इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं कूपिका। क्या कहते हैं उसे हम, कूपिका। ठीक है, अब देखो उसके बाद दोनों लंग्स सेम होते हैं। जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो हमारा क्या है, लंग्स है। हिंदी में हम फेफड़ा भी कहते हैं, और आपके बुक के अकॉर्डिंग हम उसे फुफ्फुस कहते हैं। फुफ्फुस मतलब बेसिकली लंग्स, यानी कि फेफड़ा ही होता है। अब देखो दोनों लंग्स सेम से होते हैं, जैसा ये लंग्स होता है ना वैसे ही भी होता है। आप सोचोगे मैंने ये अलग क्यों बना दिया, ये मैंने अलग इसलिए बनाया है क्योंकि एक पे मैंने रिब्स बनाई जो पसलियाँ होती हैं आपकी, एक मैंने वो बनाया है, और एक के अंदर मैंने क्या बनाया, जो बाकी जो स्ट्रक्चर है हमारे ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, एल्वोलाई, उनके स्ट्रक्चर को मैंने दिखाया है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक तरफ की बात। उसके बाद देखो इधर जो दिख रहा है आपको, ये है, इसे कहते हैं हम पसलियां है हमारी, रिब्स है हमारी। ठीक है, ये इधर भी होती दोनों साइड होती है, पूरे हमारे अराउंड होती हैं, जिसे इंग्लिश में हम रिब्स कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा ये है, इसे हम कहते हैं फेफड़ा, लंग्स कहते हैं, फुफ्फुस कहते हैं। आपको नीचे एक शीट, मसल्स की शीट होती है, इसे हम डायफ्राम कहते हैं। ये हमको सांस लेने में हमारा 70% हेल्प करता है, बहुत हेल्पफुल होता है। ये हम आगे की वीडियो में समझेंगे। अब स्टार्ट करते हैं, श्वसन तो समझ लिया, बट हम एग्जाम में लिखेंगे क्या, एक लिखने का तरीका होना चाहिए ना, तो वो लिखने का तरीका देखते हैं क्या लिखेंगे। देखो लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑक्सीजन का विनिमय, विनिमय मतलब एक्सचेंज, आना जाना, जो पर्यावरण, रक्त और कोशिकाओं के मध्य होता है। जब आप कुछ भी पढ़ते हो ना तो वो बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे ना तो बहुत चुटकी का खेल होता है, बहुत आसानी से आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं इतना टफ नहीं पढ़ाती, इतने हार्ड लैंग्वेज में नहीं पढ़ाती कि आपको समझ में आए। अगर आप ध्यान से कंसंट्रेशन से वीडियो देखो तो सब कुछ आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखो समझो ध्यान से, कह रहा है कि जब हम ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को जो इनहेल और एक्सहेल करते हैं वो पर्यावरण से तो करते हैं। एक बार बताओ, ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा थोड़ा लगाते हैं हम, जाहिर सी बात है एनवायरनमेंट से लेते हैं, पर्यावरण से लेते हैं। तो ऑक्सीजन हमने लिया,
ठीक है। फिर कह रहा है वो किसके मध्य होता है, रक्त यानी कि ब्लड से होते हुए हमारी कोशिकाओं तक जाता है। फिर कह रहा है तथा कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कर फेफड़ों के द्वारा वायुमंडल में छोड़ा जाता है। कि अभी मैंने आपको बताया कि जब हम ऑक्सीजन का इनहेल करते हैं वो रक्त के माध्यम से होते हुए हमारे कोशिकाओं तक जाता है, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया तक जाता है, वहाँ ऑक्सीजन ग्लूकोज से रिएक्ट करता है और फिर उसके बाद ऊर्जा निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कह रहा है कि परिवहन कर फेफड़ों के द्वारा वायुमंडल में छोड़ा जाता है, श्वसन कहलाता है। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, वायुमंडल में छोड़ देते हैं, जो कि पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। बहुत सिंपल है, इतना कुछ टफ नहीं है। नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो करके वापस से रिवर्स करके देख लेना। अब देखो लिखा हुआ है मानव श्वसन तंत्र, ठीक है। तंत्र मतलब बेसिकली क्या होता है, तंत्र मतलब होता है सिस्टम, यानी कि मानव जो तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उसमें हम ये समझेंगे कि जो श्वसन है, जो रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस है, वो किस किस सिस्टम के जरिए हो रहा है, पूरा प्रोसेस कैसे कंप्लीट हो रहा है, उसका मतलब होता है तंत्र। हम उस तंत्र में पढ़ेंगे। उस तंत्र में बेसिकली हम जो एक एक पार्ट्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, वो सारे पार्ट्स हम एक एक करके पढ़ लेंगे। बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। डायग्राम समझ लो, सब कुछ बहुत ही सिंपल हो जाता है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है कि यह पहला जो सबसे फर्स्ट हमारा क्या है, नोज है, हमारी नासिका है। यह पहला श्वसन तंत्र है जो बाहर दिखने वाले एक जोड़ी से शुरू होता है। कि जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते, जब हम सांस लेते हैं, तो वो सांस किसके जरिए लेते हैं, हम नाक के जरिए लेते हैं। ये एक जरिया है, एक पैसेज है, हम नाक से सांस नहीं लेते हैं। जैसे क्या होता है, अभी सोचो कि नाक बंद कर लेते हैं तो सांस नहीं आती, तो नाक ऐसा नहीं कि हम नाक से सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं अपने लंग से। देखो जब सांस ले रहे हैं तुम्हारी लंग्स फूलती है, जब छोड़ते हैं तुम्हारी लंग सिकुड़ जाती है, सांस भर जाती है। नाक सिर्फ एक क्या है, जरिया है। नाक के जरिए हम सांस को ले रहे हैं, हम नाक से सांस नहीं ले रहे, हम अपने लंग से सांस ले रहे। देखो तो फूलता क्या है, हमारा लंग्स फूलता है, तो हम सांस कहाँ से लेते हैं, अपने लंग से लेते हैं, ठीक है। अब देखो जो नाक है हमारी, जो बेसिकली नोज है हमारी, वो कहाँ है, अंदर किसी की छुपी नहीं होती ना, सबकी नाक कहाँ होती है, बाहर होती है। बाहर दिखने वाला एक अंग है और इसके अंदर दो नॉस्ट्रल्स होते हैं, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। फिर कह रहा है यह एक बड़ी गुहा के रूप में होती है। गुहा मतलब कैविटी, यानी कि खाली स्पेस। नाक के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है ना, अंदर क्या है, स्पेस है, उसके थ्रू जो हवा होती है, जो ऑक्सीजन होता है, वो अंदर जाता है। और उस कैविटी में, उस अंदर स्पेस में क्या होता है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही महीन बाल प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस प्रेजेंट होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो नाक में जो बाल प्रेजेंट होते हैं उनका क्या रोल होता है, तो बेसिकली आप बोलोगे कि जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, जब हम सांस को लेते हैं, तो उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, मिट्टी धूल कण होते हैं, तो वो सारे उस बाल में जाकर फंस जाते हैं, जिसके वजह से हम क्लीन एयर को अंदर इनहेल कर पाते हैं। तो उसका बहुत ही मेन रोल होता है प्योरीफाइंग एयर, मतलब एयर को साफ करने में, हवा को साफ करने में, ठीक है। तो कह रहा है कि यह एक बड़ी गुहा के रूप में होती है, इसके अंदर महीन बाल भी पाए जाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब कह रहा है ग्रसनी और कंठ। ग्रसनी हमारी ये जो मैंने आपको बताया, हलक और कंठ, ठीक है, जो इसके नीचे है। ये एक ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती हूँ, माई गॉड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत सिंपल है। ये एक एक तरीके से आप कह सकते हो पैसेज के रूप में काम करती हैं, ये भी एक जरिया ही है, इसी के थ्रू होते हुए, मतलब इसका भी अलग रोल होता है, बहुत सारे मेजर रोल होते हैं हमारे ग्रसनी के, कंठ के। बट जब हम श्वसन की प्रक्रिया पूरी कर रहे होते हैं, तो उसमें ये महज एक पैसेज का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो हमने नाक से सांस लिया, हमारे यहाँ से आते 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 हमारी वो ग्रसनी, यानी कि हमारी हलक, जो जैसे मुँह खोलो तो जो दिख रहा होता है अंदर, जो गला अंदर दिख रहा होता है, वो बेसिकली हलक होता है, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे हमारी क्या है, कंठ है। अब कंठ से होते हुए जो हवा होती है, जो सांस होती है, वो नीचे आती है इस श्वास नली में। बट फिर भी हम ग्रसनी और कंठ को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है वायु और भोजन का साझा मार्ग है। हाँ, ये लर्न करना है जरूर, ठीक है। जो ग्रसनी है ना, जो हलक है, हलक के थ्रू ही क्या होता है, खाना भी अंदर जाता है और हमारी जो सांस होती है वो भी अंदर जाती है। सेम पैसेज होता है, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें बोलना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बेसिकली आपने सुना होगा, मतलब हमारे वहाँ कहते हैं सुर चढ़ जाती है जब कुछ फंस जाता है, अपने में छींक आती है, जो खाना होता है वो मुंह के थ्रू, नाक के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। बट फिलहाल के लिए जो ग्रसनी है वो क्या करती है, हमारे भोजन का और हमारे श्वास का मुख्य मार्ग होती है, ठीक है। फिर कह रहा है कि कंठ सांस लेने में और बोलने में मुख्य भूमिका निभाता है। कि जो कंठ है उसका मेजर रोल क्या है,
उसका मेजर रोल है कि हमारी आवाज़ निकलती है वहाँ से। अगर आपके कंठ को ऐसे आप अपने कंठ को प्रेस कर लो और बोलने की कोशिश करो, आपकी आवाज़ निकलेगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हमारी श्वास नली। जो हमारी श्वास नली होती है ना, वो करीब 5 इंच लंबी होती है, और अगर आप इसके अराउंड देखो तो आपको एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, छल्ले नुमा एक आकृति दिखाई देगी। इसका बहुत ही मेजर रोल होता है। देखो है तो ये विंड पाइप ना, पाइप है एक। अब मान लो हमने ऑक्सीजन लिया, ले लिया ऑक्सीजन, हमारे लंग्स में पहुंच गया, और मान लो अब ऑक्सीजन उस पाइप में नहीं है, हमने ऑक्सीजन लिया और हमारे वो विंड पाइप के होते हुए, हमारी ट्रैकिया से होते हुए जो ऑक्सीजन है वो हमारी लंग्स तक पहुंच गया। अब उस पाइप में ऑक्सीजन नहीं है तो पाइप चिपक सकती ना आपस में। अब मान लो पाइप चिपक गई, अब सांस तो ले लिया, छोड़े कैसे, मतलब बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकाले कैसे, वो जो पाइप है वो चिपक सकती है ना बिल्कुल ऐसे। तो वो जो कार्टिलेज है ना, जो ये छल्ले आपको दिख रहे हैं, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं उपास्थि वलय, कार्टिलेज, ठीक है, ये क्या करती है, उस पाइप को चिपकने से प्रिवेंट करती, ताकि वो जब ऑक्सीजन मौजूद ना हो, जब कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद ना हो इस पाइप में, उसके बावजूद भी ये पाइप चिपके नहीं। आपने देखा घर में जो पाइप होती है, हम जब टैप खोलते हैं पाइप से पानी जा रहा होता है, जैसे टैप बंद करते हैं पाइप चिपक जाती है, वैसे मान लो किसी के श्वास जो ये ट्रैकी है वो चिपक जाए, तो वो ऑक्सीजन को इनहेल या फिर सांस तो ले ली, अब छोड़ेगा कैसे, है ना, मर जाएगा वो तो बेचारा। तो वो जो कार्टिलेज होती है ना, ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइप की होती है। ठीक है, तो वो लिखा हुआ है करीब 5 इंच लंबी होती है, जो हवा को पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, इसी के थ्रू जो हवा होती है वो पहुंचती है, और इसीलिए यहाँ पे क्या होती है, कार्टिलेज होती है, यानी कि उपास्थि वलय होता है, ताकि जो पाइप है वो आपस में चिपके नहीं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कह रहे हैं कि जो हवा को पहुंचाने कार्य करती है, और उपास्थि वलय सी प्रकार का छल्ला नुमा होता है, यानी कि सी शेप का होता है, छल्ला नुमा होता है। कर को क्या हो गया, ठीक है, यह श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकती है, कि जो हमारी ये कार्टिलेज है ना, वो क्या करती है, हमारी जो श्वास नली से चिपकने से रोकती है। इतने अच्छे से तो बता दिया, और मुझे नहीं लगता समझाने की जरूरत है कि क्यों ये कार्टिलेज हमारे विंड पाइप में है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा श्वसनी और श्वसनिका, यानी कि जो ये हमारा ट्रैकिया था, ये दो हिस्सों में बटा था, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूलस। तो जो ब्रोंकाई होती है, हिंदी में श्वसनी कहते हैं, जो ब्रोंकाई बहुत सारों में बट गया, बहुत सारों में बट गया, जो बहुत सारा है वो क्या है, वो हमारा श्वसनिका है। ठीक है, अब देखो इनका मेजर रोल पढ़ते हैं। ये भी एक तरीके क्या है, सब कुछ क्या है, एक पैसेज है ना, ऑक्सीजन ले रहे हैं, यहाँ पे कोई छेद उधर डायरेक्टली ले लेते, बट पूरा क्या है, एक सिस्टम है ना, एक सिस्टम के जरिए काम हो रहा है, एक प्रॉपर सिस्टम है। तो उस सिस्टम के जरिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो कह रहा है श्वसनी और श्वसनिका में कि श्वास नली दो भागों में बट जाती है, जिसे श्वसनी कहते हैं। जो श्वास नली है दो भागों में बट गई, क्या हो गई, वो श्वसनी हो गई। फिर कह रहा है और श्वसनी आगे चलकर कई और शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे हम श्वसनिका कहते हैं। कि जो ये श्वसनी है वो बहुत सारी शाखाओं में विभाजित हो गई, जिसे हम क्या कहते हैं, श्वसनिका कहते हैं। अब इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा, हमारा ये दो क्या है, नोज के बाद हमारा फेरिंग्स, फिर हमारा लैरिंग्स, फिर हमारा ट्रैकिया, फिर हमारा ब्रोंकाई, फिर हमारा ब्रोंक्यूल्स। अब उसके लास्ट में क्या आता है, उसके लास्ट में आता है हमारा एल्विलाई। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं अब इसके आगे आपको पढ़ाती हूँ। सो गाइज आगे पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे अपनी एल्विलाई, यानी कि अपनी कूपिका के बारे में। कूपिका ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पता है आपको, आपके लंग्स में यानी कि आपके फेफड़ों में कितनी कूपिकाएं होती हैं, अबाउट या फिर अप्रोक्स 300 मिलियन, जो कि एक बहुत ही बड़ी, एक बहुत ही ह्यूज संख्या है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो कितना इंटरेस्टिंग है, सोचने से लग रहा है। तो कह रहे हैं कूपिका क्या है, यह गुब्बारे जैसी आकृति का श्वसनिका के अंत में होती है, गुब्बारे जैसी आकृति, यह गुब्बारे जैसी आकृति जो कि श्वसनिका के अंत में होती है। जो हमारी ये श्वसनिका है ना, इसके अंत में बहुत सारी क्या होती है, हमारी एल्विलाई यानी हमारी की कूपिका होती है, जिसकी आकृति कैसी होती है, गुब्बारे जैसी, बेसिकली ना फूलती है फिर पिचकती है। जब हम सांस लेते हैं ना, तो वो ऐसे पूरे पैसे से होते 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 जो ये एल्विलाई है ना, जो ये कूपिका है, इनके अंदर जो सांस होती है, जो ऑक्सीजन होती है, वो भर जाती है, फिर वो फूलती है, तुम्हारे लंग्स का साइज फूल जाता है। जब पिचकती है, तुम्हारे लंग्स का साइज भी क्या होता है, पिचक जाता है। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ है
कि इसकी संख्या फेफड़ों में लगभग 300 मिलियन होती है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। गैसों का विनिमय इन कूपिका के माध्यम से ही होता है, कि जो आपकी गैसों का विनिमय होता है, यानी कि जो ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाता है, मतलब सेल्स के पास जाता है, फिर सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड वापस आता है, वो इसी कूपिका के माध्यम से ही होता है। कोई भी चीज़ जो ट्रांसफ़र होती है, वो ऐसा नहीं कि लंग्स के अंदर, लंग्स से बाहर, वो कैसे जा रही है, जो आपकी ऑक्सीजन अंदर बाहर कैसे जा पा रहा है, इस कूपिका के माध्यम से होते हुए जो आपका ऑक्सीजन है वो भी हमारे सेल्स के पास तक जा पा रहा है, कोशिकाओं के पास तक, और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी इन्हीं के माध्यम से आपकी नाक के द्वारा से बाहर आ पा रहा है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। फेफड़े, हमारे जो फेफड़े हैं, फुफ्फुस भी आप कह सकते हो, यहाँ पे मैंने क्योंकि फुफ्फुस लिखा है तो आप यहाँ भी फुफ्फुस कर देना, बट कुछ भी गड़बड़ नहीं है, चाहे फेफड़े कह लो, फुफ्फुस कह लो, सबको सेम सेम सही होता है। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ है, फेफड़े कोमल तथा लचीले और गुलाबी रंग के होते हैं। ठीक है, कितना मतलब सुनने में अच्छा लग रहा है कि कोमल होते हैं, ठीक है, थोड़े लचीले होते हैं, जेली लाइक कह लो, ठीक है, लचीले से होते हैं, और पिंक पिंक कलर के, हल्के गुलाबी कलर के हमारे फेफड़े होते हैं। सबके फेफड़े ऐसे ही होते हैं। कह रहे हैं पुरुषों के फेफड़े स्त्री के फेफड़ों से थोड़े से भारी होते हैं। जो पुरुषों के फेफड़े होते हैं वो स्त्री के फेफड़े थोड़े से भारी होते हैं, डिपेंड करता है उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, शेप एंड साइज सब कुछ। ठीक है, फिर कह रहे हैं दायां फेफड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से छोटा, चौड़ा और भारी होता है। जो दायां फेफड़ा है, जो दाएं साइड वाला, ये मेरा राइट साइड है, हाँ ये मेरा राइट साइड है, ठीक है, तो जो मेरा इधर वाला जो फेफड़ा है ना, जो लंग्स है, वो छोटा है। ठीक है, अभी वो छोटा क्यों है, क्योंकि उसके नीचे लीवर है, तो उसको औसतन क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। और जो मेरा मेरा लेफ्ट साइड का, मेरा नहीं सबका, सभी लोगों का, जो लेफ्ट साइड वाला जो लंग्स है, जो फेफड़ा है, वो इससे थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा पतला है। अब पतला और लंबा क्यों है, क्योंकि उसके बीच में हार्ट है ना, आपके हल्का सा लेफ्ट साइड क्या होता है, हार्ट होता है, सेंटर में होता है, बट लेफ्ट को टिल्टेड होता है ना, तो इसलिए जो लेफ्ट हमारा राइट वाला जो लंग्स है वो थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि उसके नीचे लीवर है। जो बायां साइड वाला जो फेफड़ा है वो थोड़ा सा लंबा है और पतला है, ऐसा इसलिए क्योंकि उसके बीच में हार्ट के लिए जगह होनी चाहिए। हृदय कहाँ रहेगा आपका, हृदय के लिए भी तो जगह चाहिए, तो उसके लिए जगह होती है बीच में। तो देखो क्या लिखा है, दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े छोटा, चौड़ा और भारी होता है, ताकि बाईं ओर हृदय के लिए जगह बन सके, क्योंकि बाईं तरफ हमारी क्या रहती है, हृदय रहता है, तो उसके लिए जगह बन सके। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारा डायफ्राम। डायफ्राम मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे श्वसन की प्रक्रिया में, डायफ्राम बहुत ही ह्यूज रोल प्ले करता है। कैसे, कि जब डायफ्राम नीचे जाता है, एक मसल्स है, एक शीट के मसल्स की एक शीट है, जब डायफ्राम नीचे जाता है तो अब देखो लंग्स के पास ना इतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने आप से फूल सके, अपने आप से पिचक सके। जो डायफ्राम होता है ना, जब डायफ्राम नीचे जाता है और जो हमारी जो रिब्स है वो जब बाहर आती है, तो हमारे लंग्स फूल जाते हैं। जैसे मान लो मैं सांस ले रही हूँ, मैंने सांस लिया तो मेरे लंग्स क्या हो गए, फूले, तो लंग्स नहीं फूला, डायफ्राम जो है वो नीचे गया और जो हमारा रिब्स है वो मेरा आगे गया, तो मेरे लंग्स को फूलने की जगह मेरी लंग्स मेरे फूल गए। फिर मैंने सांस नहीं लिया, अब सांस छोड़ दिया, ठीक है, अब कहो जो मेरा रिब है, मेरा जो रिब है वो आगे की तरफ आया और जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ आया, तो मैंने क्या किया, मेरा सांस जो है वो बाहर निकल गया। तो इस तरीके से जो आपका डायफ्राम होता है वो बहुत ही मेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आपके मन में आ रहा होगा, जो प्रेगनेंट लेडीज होती है उनका जो पेट बहुत ज़्यादा निकल जाता है, उनके पास उनका डायफ्राम नीचे कैसे जाता है, क्योंकि जो अंदर जो बेबी होता है वो पूरा जगह ले लेता है ना, तो आपके मन में आ सकता है मे बी कि कैसे वो सांस लेते होंगे, तो ना उनके जो रिब्स होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो उनके रिब्स होते हैं वो फिर फूलते हैं, मतलब आगे की जाते हैं, पीछे को आते हैं, जिससे वो आसानी से सांस ले पाती हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, डायफ्राम नीचे आता है तब कोई व्यक्ति सांस लेता है, और जब डायफ्राम ऊपर की ओर आता है तो कोई व्यक्ति सांस छोड़ता है। समझा दी मैंने कैसे। अब नेक्स्ट कह रहा है फुफ्फुस झिल्ली, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, बट जो आपको ये आउटर लेयरिंग दिख रही है ना, ये जो बाहर के लिए, इसे कहते हैं हम प्लियोरा मेम्ब्रेन, किधर को लिखूं तो दिखेगा, ये हमारी है प्लियोरा मेम्ब्रेन, यानी कि हिंदी में लिखूं ना, हिंदी में पढ़ा रही हूँ, तो फुफ्फुस झिल्ली, ठीक है, झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन है एक, हमको क्या करती है, जैसे आसपास ऑर्गन्स होते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो हमारे लंग्स को घर्षण फील ना हो, फ्रिक्शन ना हो, उससे ये मेम्ब्रेन क्या करती है, हमारे लंग्स को
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सुरक्षा देती है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या रह गया है, मतलब पढ़ देती हूँ, एफएफओ की सतह पर घर्षण को कम करता है। नेक्स्ट हमारी है पसलियाँ, जो यहाँ साइड हमारी जो पसलियाँ होती हैं वो क्या करती है, हमारा जो लंग्स है अभी आपने पढ़ा था ना कितना कोमल लचीला सा होता है, हार्ट भी बहुत ही कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, तो उनको चोट ना लग जाए उनके लिए प्रोटेक्शन का काम कौन करता है, रिब्स करता है। तो पूरा जो तंत्र था ना, हमने पूरा तंत्र पढ़ लिया। अब एक बार मैं आपको बता देती हूँ कैसे हम सांस लेते हैं। अब देखो हमने नोज से नसिका के माध्यम से सांस लिया, नसिका के माध्यम से जो हमारी जो ऑक्सीजन है वो ग्रसनी से होते हुए फिर कंठ से होते हुए इस श्वास नली में आई, श्वास नली आगे जाके दो हिस्सों में बट गई, उस दो हिस्सों को हम क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। फिर जो ये दो हिस्से थे बहुत सारे हिस्सों में बट गए, उसे हम श्वसनिका कहते हैं। उसके एंड में बहुत सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम एल्वोलाई यानी कि कूपिका कहते हैं, कूपिका में ऑक्सीजन आया, वहां से ब्लड के माध्यम से होते हुए जो ऑक्सीजन वो पूरे बॉडी में चला गया, ब्लड के थ्रू पूरी कोशिका तक चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया तक चला गया, वहां पर ग्लूकोज है, ऑक्सीजन उस ग्लूकोज से क्या होता है रिएक्ट करता है, ऊर्जा निकलती है यानी कि एनर्जी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, एनर्जी को हम यूटिलाइज कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसे हम उसी माध्यम से मतलब ब्लड के रास्ते वो मिलती आती है एल्वोलाई के थ्रू, फिर वापस सेम प्रोसेस से हमारे नाक के रास्ते बाहर निकल जाती है। तो सांस कैसे लेते हैं, ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे चला आता है, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। सपोज जैसे एक डब्बा है, एक कोई बॉक्स रखा हो, कुछ भी रख लो एक्स वाई जेड, उसके अंदर मैंने ऑक्सीजन डाला, जब ऐसे पलटूंगी तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, नहीं। ऐसा क्या हो गया कि हमने लिया ऑक्सीजन और जब निकाल रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, तो वो पूरा प्रोसेस कौन सा है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, कहाँ पे, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, कि हम ऑक्सीजन को ग्लूकोज से मिला रहे हैं तो एनर्जी निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है जो कि हम बाहर एक्सहेल कर दे रहे हैं। कभी और हम इस टॉपिक में डिटेल से बात करेंगे, बट फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ मैंने आपको छोटी से छोटी बात बहुत ही डिटेल में समझा दी, अब कोई डाउट नहीं होगा, बट फिर भी कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई देने की बहुत जल्द कोशिश करूंगी। फिलहाल आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दैट्स ऑल, बाय गाइज़।